هلا اجا الزعيم العظيم على دين بدا فقار الشعب يقول اني حاكي كريم اي 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 ايه السلام عليكم جاي نمستي ويلكم تو ماي نيو بلوج اور آج ہم جانے والے ہیں ممبئی چھترپتی شیواجی ایئرپورٹ وہاں پر ہمارا دوست آیا ہوا ہے بابا شیخ اور ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ حج عمرہ ٹریولس کرتے ہیں تو وہاں سے ان کے کچھ ممبرس جانے والے ہیں تو ملنے جا رہے ہیں یہاں سے ہم جائیں گے اسٹیشن اسٹیشن سے پھر پکڑ دیں ٹرین پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو کچھ ویو بتاتے ہیں اور راستے سے بھی کچھ ویو بتاتے ہیں جب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے ملتے ہیں अभी हम घाटकोपर स्टेशन पे पहुंच गए हैं। मैं और सुफियान यहाँ पर गर्दी देखो देखिए कितनी गर्दी है, बहुत सारी गर्दी है। और मुंबई की लोकल ट्रेन की गर्दी कभी कम नहीं होने वाली। तो अभी हमने यहाँ पर घाटकोपर पहुँच गए और यहाँ पर हमने अभी ऑटो किया है। अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं स्टेशन की ओर, सॉरी एयरपोर्ट की ओर, फिर आपको वहाँ का व्यू बता दें। तो फाइनली फाइनली अभी हम एयरपोर्ट पहुँच गए। अभी एयरपोर्ट पे अभी अंदर जाएंगे, बाबा को कॉल किया है, वो आ रहा है मिलने के लिए। तो अभी ऋषि का बड़ा, चलो भाई आगे, ये एयरपोर्ट पर आ गए हैं। अभी एयरपोर्ट पर जाएंगे अंदर और बता दें आपको आगे का व्यू। हमारे से बाबा जी मिलने के बाद आगे व्यू बता दें आप। हमारे भाई पहली बार एयरपोर्ट पे आए, और कहाँ जा रहे भाई तू? दुबई जा रहे भाई, दुबई दुबई फ्लाइट है भाई उनकी। कितने, 3 बजे की फ्लाइट है हमारे, जा रहे भाई दुबई सुफियान भाई। अभी बाबा को कॉल किया था, बाबा आ रहा है यहीं मिलने के लिए, फिर बाबा के साथ में जाते हैं। फिर ऊपर हाजी लोग जो उमरा, शायद उमरा जा रहे हैं या हज जा रहे हैं पता नहीं है, फिर वो लोग हैं उनसे मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर आपको थोड़ा सा वहाँ का व्यू बताते, फिर कुछ देर रुकते आपको मिला दे सबसे। तो अभी यहाँ पर ऑटो पार्किंग चालू है और हम उधर थे ब्रिज के पास में, अब वहाँ से इधर आ गए। ये हमारे बाबा हमारे सामने से आ रहे, देख सकते हैं आप। अभी इनको मिलते भाई, नसीब लाए बाप भाई ने, एयरपोर्ट के ऊपर आराम कर रहे। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, ये हमारे बाप भाई। चलिए चलिए, चलो क्या चल रहा है, बस बोलने पड़ते। देखो हमारे बाप भाई को माशाल्लाह दिख रहे, मगर जरा रास्ते आए वाले अभी यहीं रुके हैं, ट्रैवलिंग में तो थक गए जरा भाई, आए हमको मिलने के लिए। चलो आगे का व्यू बताते। तो अभी आ गए हम एयरपोर्ट के पास में, नीचे पार्किंग में थे वहाँ पर, आ गए एयरपोर्ट के पास में यहाँ पर। तो बाबा कोई सेलिब्रिटी से मिले कि नहीं? नहीं सॉरी, तुम्हारे कोई मिलने आया कि नहीं सेलिब्रिटी? अभी लोग मालूम नहीं ना। ये बाबा उनकी जो एजेंसी है उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ी देर से हम आराम से बैठ के आपको बताएंगे उनकी पूरी एजेंसी के बारे में फुल डिटेल इंशाल्लाह। अभी हम एयरपोर्ट पे आ गए यहाँ पर। तो सुफियान कैसा लग रहा है? पहली बार आया हो, फर्स्ट टाइम है बोलते मेरा भैया। बल्कि उनके घर के ना बहुत लोगों से, ननियाल के बहुत लोग जाना आना बहुत टाइम हुआ उनका, इधर एयरपोर्ट पे बहुत आए गए। अरे बाबा आते रहेंगे इंशाल्लाह, आते रहेंगे अपन भी। सर आपको पूरा व्यू बताते, ये ले चले बाबा अंबड़ में पंगा। बस स्टैंड में लगाने कहाँ लगाएंगे? बस स्टैंड पे, बस स्टैंड पे क्या करने का, गिरने पे लगा था। हाँ तो अभी हम आ गए ऊपर एयरपोर्ट के मेन गेट के ऊपर, यहाँ पर मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। बाबा
भाई एक से एक कांच के टुकड़े हैं भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी बाबा जा रहे थे कोई एयरपोर्ट मार, पिछले बारी भी मैं गया था इंशाल्लाह, मैं गया था जब, तो वहाँ से मेरी एंट्री हुई थी और मेरी फैमिली पूरी साथ में थी, वो सब याद आ रहा है मुझे। लास्ट टाइम जब मैं गया था सब याद आ रहा है मुझे कि मैं भी दुबई और बहरीन जाके आया हूँ। तो मस्त एक्सपीरियंस होता है फ्लाइट का और आउट ऑफ कंट्री का। देखते हैं यहाँ पर, देखिए पूरा एयरपोर्ट है। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हैं और कुछ वक्त है बाबा भाई को जो उनके साथी है उनका जो ग्रुप है उनको निकलने के लिए, जो है उनके जो एजेंसी है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलो सुनते हैं। इंटर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है 26 अप्रैल 2023 5 शव्वाल नाज हजुमरा सर्विसेज इनके ओर से मैं कनेक्टेड हूँ। जालना में ऑफिस है हमारा, इंशाल्लाह औरंगाबाद में भी है, और हर महीने में 2 ग्रुप रवाना होते हैं मुंबई से, और जालने से जो मुंबई तक के आने की जो तरतीब जो होती है तो हम उसको ट्रैवल्स में लेके आते हैं हजी लोगों को, पूरे हमारे जितने भी हजी होते हैं। तो और हर महीने में तकरीबन 25 लोग 20 लोग रवाना होते हैं हमारे नाज हजुमरा सर्विस की तरफ से। और यहाँ से आने के बाद में ऑलरेडी सऊदी के अंदर हमारे में से एक ना एक हमारा जो बंदा है काम करने वाला वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और यहाँ से हम जो है तो हमारे जो बच्चे हैं ऑफिस पे के दोनों ऑफिस के इसमें से कनेक्टिंग जो भी रहेंगे वहाँ पर मौजूद इंडिया के अंदर, उनको मुंबई तक लाकर छोड़ने की जिम्मेदारी उनकी होती है। फिर यहाँ से अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाने के बाद में उतना बोर्डिंग वगैरह होता है, बोर्डिंग होने के बाद में एहराम वगैरह कैसा पहनना होता है वो सब बताते हैं। वहाँ से फ्लाइट के अंदर जाने के बाद में डायरेक्ट सऊदी उतरता है जब आदमी, डायरेक्ट फ्लाइट होती है ज़्यादातर हमारे पास में, एक आधी फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट लेते हैं या तो फिर डायरेक्ट ही फ्लाइट होती है हमेशा जब भी होती है। तो और फिर वहाँ पर उतरने के बाद हमारा जो बंदा रहता है वो आपको डायरेक्ट मक्का के लिए लेकर जाता है, वहाँ पर उमरा कैसा करना होता है वो पूरी तरतीब बताता है, रूम पे ही रूम से कैसा जाना होता है वो भी बता देता है। अपनी जो वहाँ पर होटल है तकरीबन 700 मीटर के अंदर ही होती है मक्का में, और मदीने में 500 मीटर के अंदर ही होती है ज़्यादातर। और खाने की जो तरतीब होती है सवेरे फजर के बाद नाश्ता लग जाता है, और बाद में जोहर के बाद खाना होता है, और बाद में ईशा के बाद एक खाना होता है, और हर खाने में 2-3 सब्जी होती है, चावल होते हैं, रोटी होते हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर मैं आपको वीडियो डालूंगा और भी जो खाने के ताल्लुक से जो वीडियो होते हैं हमारे पास में, तो वो भी बता दूंगा। तो बाबाई ने उनके बारे में, उनकी एजेंसी के बारे में बताए हैं कि उनकी एजेंसी में कैसा कैसा निज़ाम है और क्या चीज़ है, और वहाँ पर जो नज़म है उसका मैं कुछ वीडियो बाबा हमारे को भेजेंगे, हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि वहाँ पर कैसा कैसा निज़ाम है, वो कौन सी होटल में रखते हैं, कैसा उनका ट्रैवल्स है और खाना पीना क्या होता है, आपको वो सब बताएंगे। और इनकी एजेंसी जालना ज़िला से 3 एजेंसी है, जालना के अंदर है, औरंगाबाद में है और अंबर शहर के अंदर है। और इनके हर हाजी ग्रुप के साथ में हर महीने में 2 ग्रुप जाते हैं इनके, और हर ग्रुप के साथ में इनका एक बंदा जहाँ से भी आ रहे हैं एयरपोर्ट तक साथ में रहता है, एयरपोर्ट से सऊदी तक साथ में रहता है, फिर वहाँ से मक्का शरीफ तक जहाँ उनका होटल है वहाँ तक साथ में रहता है, फिर पूरा ट्रैवल्स वगैरह भी उनके साथ में ही रहते हैं, कोई चीज़ का आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और ज़्यादा अगर इनकी डायरेक्ट फ़्लाइट होती है जैसे मुंबई से डायरेक्ट सऊदी अरब मक्का के लिए, और कनेक्टिंग फ़्लाइट बहुत कम होती है, और इनके ग्रुप हर महीने में 2 जाते हैं। अभी वो पैकेज के बारे में बताएंगे कि हर पर्सन का कितने का पैकेज है तो आपको बता दें। अभी तो फ़िलहाल में शवाल का जो ग्रुप लिया हुआ है 15 दिन का, वो जो है तो पर पर्सन लिया है 85,000 रुपये से, और 20 दिन का अगर रहेगा तो 95,000 रुपये से रहेगा। 15 दिन का 85,000 रुपये 85,000 जी, और 20 दिन का 95,000। हाँ, उसके अंदर खाना पीना रहना और टिकट पूरा ट्रैवल, हाँ आपको 85 में 15 दिन के लिए जब लेंगे तो आपको उसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, आपके घर से लेके तो सऊदी अरब तक लाना और सऊदी अरब से आपके घर पे छोड़ना सब उनकी जिम्मेदारी है, वही 85,000 के अंदर। जालना टू जालना, औरंगाबाद टू औरंगाबाद, पूरा पैसा जब आप देंगे तो उसमें ही वो टिकट रहेगा, आपका वीज़ा रहेगा, आपका रहना उसमें ही, खाना पीना भी उसके अंदर ही है। हाँ, अब पर्सनल चीज़ आपको कुछ लेनी है तो आपका खर्चा है, बस बाकी जितना उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ही आपको पूरा रखेंगे, आपको 1 रुपये का भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और
ऑफर जो है तो हमारी ज्यारत भी होती है, मक्का में भी एक ज्यारत होती है, मदीने में भी ज्यारत होती है। 10-15 पॉइंट जो होते हैं वहाँ पर बताने की, जो मेन जगह, तो वो पूरे 10-15 जगह वहाँ पर के बताते हैं, मक्का में भी बताते हैं और मदीना में भी बताते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनली जाना हो तो वहाँ पर भी जा सकते हैं आप, आपके खर्चे से होंगे। और आपको खरीदी वगैरह करना जो होती है मदीने के अंदर, खजूर की, कपड़े की मार्केट में समझो जो भी हो, तो हमारा एक बंदा आपके साथ में रहता है एक चक्कर मारने के लिए। अगर आपको हमारे साथ में अगर करना है खरीदी तो कर सकते हैं, या तो फिर अपनी पर्सनली भी खरीदी कर सकते हैं वहाँ पर। तो मैंने आपको जैसा बताया कि उनके पैकेज में जितना बताया हुआ है आप वो हिसाब से उनको, आपको आपको एक रुपए का भी वो ये नहीं करेंगे, पर आपको जो पर्सनली खर्चा करना है, पर्सनली कुछ चीज़ लेना है तो आपको खर्चा करना पड़ेगा। और वहाँ पर कुछ 10-15 पॉइंट ऐसे हैं सऊदी अरब के अंदर जो आपको फ्री में घुमाएंगे, पर आपको जो अदर प्लेस घूमना है वो आपको आपके पैसे से घूमना पड़ेगा, वो आपको बता देंगे। और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अज़र शेख का जो बाबे हैं हमारे, उनका नंबर दे दूँगा और उनका जो कार्ड है वो कार्ड भी आपको डिस्प्ले कर दूँगा, और उनकी फुल डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप वहाँ जाइए, वहाँ से चेकआउट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे बाबे को कॉन्टैक्ट कीजिए। चलो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। और ये 2023 का पैकेज है, 85,000 और 95,000। हर साल पैकेज चेंज होता है, कभी प्राइस ज़्यादा भी होती है और कभी होती है। तो अभी 2023 का जो पैकेज चालू है आपको बताया, 85,000 15 दिन का और 95,000 20 दिन का पर पर्सन का। हाँ, ये शव्वाल का ग्रुप है अप्रैल के अंदर, अभी ये ग्रुप निकलने वाला है। और इनका ग्रुप कब जा रहा है, अभी इनका आधे घंटे से चेकआउट होने वाला है, बोर्डिंग होने वाला है, तो आपको उसके बारे में भी बताते हैं। तो चलो फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। 2023 ईशा के बाद खाने का नजम, फिश, चिकन चिल्ली, बकरे गोश्त का सालन, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, मौज, चार रोटी, रोटी प्लेट लगे रख बेटा अब्दुल्ला, प्लेट ला, चाय और पानी। 2023 फिश, चिकन, सालन, बकरे का सालन, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, चिले, चाय, सर्वा शुक्र पानी, पर कबाब, सब्जी, चिकन का सालन, दाल, चावल, सलाद, दाल और चावल और सलाद सगळे आहेत, जाम तुम्हाला काय पाहिजे, रोटी, प्लेट, चाय, रू अफजा और पानी। तो अभी आपका रिव्यू है, थोड़ा सा नजर नहीं बता रहे और इसके बाद नजर लगा रहेगा। उससे पहले हमने बताया कि आज मतलब सऊदी में और मक्का के अंदर मदीना में खाना कौन सा कुछ मिल रहा है, आपको कैसा मिलेगा, वो सब वीडियो में बता दिया है। और उसके आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो
बाबा के यहाँ पर मेंबर सब तैयार हो रहे हैं, अभी रेडी हो रहे आने के लिए। फिर बाबा उनको वीज़ा और टिकट देंगे, फिर उसके बाद उनकी बोर्डिंग होंगी। अभी कुछ मेंबर आना बाकी है इसलिए अभी रुके हैं, फिर वो आते ही आपको पूरा व्यू बता दें। अभी हम जा रहे हैं उधर टिकट काउंटर की तरफ और देख रहे हैं वहाँ पर कि काम की गाड़ी है। वॉल्वो को धक्का मारे क्यों बाबा, क्या काम है? इधर इधर उधर उधर। और ये हमारे बाबई के जो हज नाज उमरा एजेंसी के ये एक मेंबर हैं जो औरंगाबाद का ऑफिस संभालते हैं। आपका नाम? शेख तौसीफ। शेख तौसीफ साहब जो औरंगाबाद का ऑफिस संभालते हैं। औरंगाबाद में कहाँ पर है आपका ऑफिस? जालने में अपना। अच्छा, जालने का ऑफिस। अच्छा, ये जालने का ऑफिस संभालते हैं। औरंगाबाद का एड्रेस? औरंगाबाद का फजीलपुरे में ऑफिस है अपना, कलेक्टर ऑफिस के पास। फजीलपुरे में कलेक्टर ऑफिस के पास में जो रोड जाता ना। हाँ अच्छा। और जालने में? जालने में अक्सा फंक्शन हॉल के पास, यूसुफ कॉलोनी। अच्छा, अक्सा फंक्शन हॉल यूसुफ कॉलोनी, वहाँ पर भी इनकी एजेंसी है। और जालने में जाके भाई से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तुम यहाँ तक ही छोड़ने के लिए आए क्या? अच्छा, ये यहाँ तक छोड़ने के लिए आए ये और बाबा, जितने भी उम्र वाले हैं उनको यहाँ तक ही छोड़ने के लिए आए हुए। फिर बाद में ये लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे, इसके आगे दूसरा जो बंदा है उनका उनको लेके जाएगा। फिर सऊदी के अंदर वहाँ पर ऑलरेडी दो मेंबर हैं, अंबड़ के तारिक भाई जो इस एजेंसी के मेंबर हैं, और दूसरे हैं असलम जो इस वो भी एजेंसी के मेंबर है। वो लोग वहाँ से उनको पिकअप कर लेंगे और उनके आगे फिर उनका ट्रैवल उनका काम चालू हो जाएगा। और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा घूम लेते हैं जब तक टाइम है, तो अभी हम वापस जाते हैं। शिवाजी महाराज का थोड़ा सा स्टैचू वगैरह है वहाँ पर, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर बाबा अदर बाबा उनके हजनास के जो मेंबर हैं रुके हुए हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू है, फ्लैग ए सैल्यूट कर रहे, सैल्यूट कर जल्दी झंडे पे। हाँ, ये नीचे नीचे होटल्स वगैरह पार्किंग वगैरह और ऊपर ही बना हुआ। और यहाँ पर ये एयरपोर्ट है, ये हाजी लोग रुके हुए पूरे, कुछ फ़ोटो काटते हैं यहाँ पर। कुछ लोग जा रहे हैं अंदर बोर्डिंग के लिए और कुछ अभी वहाँ पर बाहर है जो अभी बाबू भाई बताएंगे। अभी कुछ लोग आने में बाकी है इसलिए अभी वो रुके हुए। यहाँ पर कुछ लोग है जो अभी अंदर बोर्डिंग करेंगे और फिर अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है हज उमरा ट्रैवल्स के अंदर, नाज हज उमरा, तो आप कांटेक्ट करें। मैं बाबा का नंबर आपको बता दूंगा, उसका कार्ड बता दूंगा और आपको वो फुल डिटेल मिलेगी। तो अभी पिछले गेट के ऊपर गेट नंबर 5 से वो लोगों की एंट्री हो रही है और कुछ लोग अभी बाकी हैं। बाबा उनका भी वीज़ा टिकट दे रहा है, फिर वो देने के बाद सब बोर्डिंग एंट्री करेंगे, फिर आपको पूरा व्यू बताएँ। अभी बाकी लोग भी जा रहे हैं हज उमरे वाले उमरा के लिए, जो तैयार हुए अभी निकल रहे हैं दमदम से और यहाँ पर भी निकल रहे हैं। जब वो बोर्डिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा व्यू बताते हैं वहाँ का, फिर मिलते हैं। अभी थोड़ा सा बोर हो गए हम क्योंकि फ्लाइट में जाने के लिए थोड़ा टाइम लग गया उनको और हमें भी बहुत टाइम हो गया यहाँ पर आके, और देख के हम भी थोड़ा बोर हो गए। भाई जा रहा है जल्दी से जल्दी, हमारा भाई जा रहा है, बोर हो गया, दुबई जा रहा है। तो यहाँ पर अभी सब हज जो जाने वाले हैं उमरा के लिए वो सब लोग मेंबर उनके तैयार हो गए हैं और कुछ आगे जा चुके हैं। अभी यहाँ पर सब तैयार हो गए, यहाँ पर साइन से लगे हैं, आप देख सकते हैं सब तैयारी के साथ में माशाल्लाह। और जो चल नहीं सकते वो भी है इसमें व्हील चेयर पे, इसमें माशाल्लाह अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सब उनका बैग है, ये नाज हज उमरा उनके तरफ से बैग है, बाबा उनके अजहर शेख उनके तरफ से ये बैग है पूरा नाज हज उमरा। ये तुम्हारी तरफ से है ना? ये उनकी तरफ से बैग है उसी पैसों में, और कार्ड मिलेगा, एक आईडी कार्ड बताओ तुम्हारा, ये ऐसा इनका आईडी कार्ड मिलेगा पूरा।
ये भाई जान इनका आईडी कार्ड मिलेगा, ऐसा कार्ड मिलेगा आपको और यही आईडी कार्ड पिन के आपको जाना है। यहाँ सब मेंबर जम गए हैं यहाँ पर, और उस साइड भी कुछ लोग हैं। तो आपने देखा सब तैयार हो गए हैं और सबके पास बैग वगैरह आईडी कार्ड है, सबको पासपोर्ट मिल गया है, सबको टिकट मिल गया है, वीज़ा मिल गया है। अभी हम सब बोर्डिंग के लिए जाएंगे, हम उनके साथ में रहेंगे और ये कुछ सामान भी है उनके साथ में जाने वाला, और वहाँ पर भी कुछ लोग हैं बैठे हुए, वो भी जाएंगे। तो अभी आपको बोर्डिंग करते टाइम का वीडियो बताते हैं। यहाँ पर मेरे साथ में सुफियान भी है, अभी बोर्डिंग करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी पूरे लोग तैयार हो गए, यहाँ पर बाबा भी वीडियो काट रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन। अभी बोर्डिंग करेंगे, अभी आधे लोग जा चुके आ गए हैं, अभी मेरा फोटो काटते हैं। नाज हज़ एजेंसी की तरफ से कुछ खाने का इंतज़ाम किया गया था इनके लिए, सुबह का इनका नाश्ता हो गया है और खाना भी हो गया है, फिर भी इनके लिए एक्स्ट्रा खाना और पानी का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर सुफियान भी मेरा भाई भी पानी बांट रहा है यहाँ पर, ये अजहर भाई यहाँ पर खाना बांट रहे सबको एक एक। इसके अंदर खाना है सबको, सब बिरयानी, चिकन बिरयानी है। ये अजहर भाई और ये मारूफ भाई सबको बांट रहे। यूट्यूब पे सलमान शेख व्लॉग, तुम्हारा भी आएगा अभी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी तुम्हारा वीडियो आएगा। तुम्हारा नाम अनस, अनस तुम्हारा वीडियो आएगा देखना, सलमान शेख व्लॉग। हाँ, खाने का पार्सल उनको दे रहे हैं, फिर ये फ्लाइट में बैठ के खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और यहाँ पर साथ में भी रख सकते हैं। अभी टाइम नहीं है इसलिए अभी साथ में लेके जाएंगे, फ्लाइट में बैठ के खाएंगे। पापा सुफियान पानी भी बांट रहा है, हर चीज़ का नज़म किया गया है हाजी इस उमरा वालों के लिए, हाजर सबको बांट रहा है। सबको खाना बांटने के बाद फिर इंशाल्लाह बोर्डिंग के लिए बढ़ेंगे, फिर आपको व्यू बताता हूँ। ये उम्र वाले पूरे आ रहे हैं साथ में, अभी उधर 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 हमारे बाप भाई भी है साथ में। अभी ये सब लोग जमा हुए हैं, अब सब एंट्री कर रहे हैं। चार नंबर गेट से इनकी एंट्री है यहाँ पर। ये बाबा वहाँ पर है, वो भी सबकी एंट्री करा रहा है। अरे मत मार के पैर तू यार, अभी यहाँ पर ये सबकी बोर्डिंग हो रही है। यहाँ पर पीछे साइड में देख सकते हैं, तो पीछे साइड में ये बोर्डिंग चालू है, और बोर्डिंग के लिए सब जाके भी उधर लाइन में लगे हुए हैं, आपको वहाँ का भी वो बता रहा हूँ। बाबा अंदर तक जा रहे छोड़ने के लिए इनको सबको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सबके लिए, यहाँ पर भी ये भी है, ये लोग भी जा रहे हैं। दुआ में याद रखो, माशाल्लाह अभी सभी लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, सभी आ गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ से बोर्डिंग होगा, वहाँ पर बोर्डिंग होगा, और फिर उधर ही थोड़े साइड में लगेज डालना पड़ेगा, और ट्रॉली के ऊपर जो साइड से छोटी सी एक ट्रॉली रहती है जो घूमती है, उसके ऊपर डाल के फिर डालना पड़ेगा। फिर अभी बाबा सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसा सब चीज़ करनी है, और सब साथ में रहना है करके यहाँ पर। और यहाँ पर सुफियान है वहाँ पर खड़ा हुआ।
इनका उम्रा कबूल करे और इन्हें कबूल करे, और हमारे लिए भी दुआ करो। आपको ये सफ़र, ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें बोलो, और मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश शेयर करने की कोशिश करो और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। हमारे बाबे उधर है, देख रहे आपको हजार भाई, सबको बता रहे हो आप। मैं यहीं रुका हुआ, यहीं से सबकी शूटिंग ले रहा हूँ। तो अभी अलहमदिल्ला आधे लोगों की बोर्डिंग हो गई है और बाबा वहाँ पर बोर्डिंग करा रहे हैं, जब तक हम बाहर आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि क्राउड तो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए अभी यहाँ पब्लिक यहाँ पर ही रुकी है। अभी हम भी यहाँ पर आ गए, वहाँ पर बाबा और सुफियान हैं जो कि यहाँ पर बोर्डिंग करा रहे हैं। फिर वापस उनका बोर्डिंग होने के बाद बढ़ गया, बाबा और सुफियान आ रहे हैं यहाँ से, ये दोनों भी। यहाँ सुफियान कैसा लगा? तो फिर कैसा लगा आपको? आपका तो एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगा? मज़ा आया है, फर्स्ट के अंदर मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत आया, अच्छा लगा। चलो हमारे भाई का दिल खुश हो गया, बस हो गया हमारे लिए, और हमारे बाप भाई का काम भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सभी जो भी उम्रा जाने वाले साथी है, बोर्डिंग हो गई है। अभी हमारे बाप भाई का और मारूफ बराबर कार मारूफ ना तौसीफ तौसीफ भाई का और हमारे बाप अजहर बाबा भाई का काम ख़त्म हो गया है यहाँ पर बोर्डिंग करा कर। कैसा लग रहा है अभी? सब लोग अच्छे से गए, सबको खाना वगैरह पहुँचाए, हाँ, और अभी सब लोग अंदर चले गए इंशाल्लाह। हमारे दो आदमी लोग उनके साथ मौजूद है, जो दो लोग हैं हमारे वहाँ पर उनके साथ मौजूद है, और वो भी होटल तक रहेंगे इंशाल्लाह, मक्का मदीना साथ में रहेंगे। अभी दो लोग उनके साथ में सबकी बोर्डिंग वगैरह कराएंगे, सबको आराम कैसा पहनना वो भी बता देंगे, और इंशाल्लाह फ्लाइट में उनके साथ बैठ के जाएंगे। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़। देख के शफा खैर, अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं।